नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी अलग अलग कंपनी में काम करते हो तो आपके दो UAN नंबर क्रिएट हो जाते हैं, या फिर आपका एक UAN नंबर है और आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपना UAN नंबर यानी PF नंबर जिसमें से आप PF निकालते हो उसको कैसे आप एक्टिवेट करोगे। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखना। सो फ्रेंड, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। सर्च बार में, गूगल सर्च बार में एंटर करना है UAN। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे UAN EPF वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। उसके बाद साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट UAN, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। उसके बाद आपको अपना UAN नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आपका UAN नंबर है, कई बार किसी कैंडिडेट के दो होते हैं तो आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो। अगर जिसका एक है तो आप एक बार यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। आप ध्यान से अपना UAN नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए। उसके बाद बीच में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। एंटर करने बाद ये ऑप्शन आपके खाली रहेंगे, चार ऑप्शन, जैसे कि मेंबर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड। जिसका UAN नंबर नहीं होता तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देकर नीचे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर है, ईमेल आईडी, वो आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको जो कैप्चा यहाँ पर दे रखा है आपको सेम टू सेम आपको लिखना है, जैसे कैपिटल में है, स्मॉल में है। उसके बाद गेट पिन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपका जो UAN नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जैसे कि नीचे यहाँ पर OTP आईडी आपकी ये है 2695। आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें एक OTP होगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। वो OTP यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको OTP एंड एक्टिवेट UAN, नीचे ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो UAN नंबर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है UAN नंबर एक्टिवेट। उसके बाद आपको गो टू यानी कि गो टू होम पर क्लिक करना है। आप फ्रंट पेज पर आ जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना UAN नंबर डाल सकते हो। पासवर्ड यहाँ पर आपका वो रहेगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक मैसेज आएगा पासवर्ड का, उसमें आपका एक पासवर्ड होगा, वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डाल सकते हो और उसके बाद आप साइन इन अपने अकाउंट से, UAN अकाउंट से लॉगिन हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है या जो भी आपका डाउट है, इस वीडियो को देखकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और इसी तरह के टेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।